जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके बीच में मैथ क्लास फोर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज लेके आया हूं स्लाइड क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन रहेगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन विथ स्लाइड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों, एक लंब कोणीय समांतर षष्ठ फलक धातु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3.6 मीटर, 2.5 मीटर और 1.8 मीटर है। इस धातु को पिघलाकर नई घन बनाए गए जिसमें से प्रत्येक की भुजा की माप 0.3 मीटर है। ऐसे कितने घन बनाए गए हैं, ठीक है। घनों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो क्या लिखना है, माना कि नए बने घनों की संख्या इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो एन बराबर लिखेंगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। और इसमें से घन का माप दिया हुआ है तो यहां मान लेते हैं ए का क्यूब, ठीक है। अब एल का मान बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एल का मान, ना 3.6 मल्टीपल, 2.5 मल्टीपल, 1.8 ये दिया हुआ है। ये एल का मान, ये बी का मान, ये एच का मान, और 0.3 का घन का साइज का भुजा है उसमें निकालना है। माप क्या है ना 0.3 लिखना है और यहाँ क्यूब में है तो क्यूब में मतलब इसको तीन बार लिखना है, एक बार हो गया, दो बार हो गया और एक तीन बार हो गया, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हट जाएगा। फिर इसको हटाना है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा और इसको भी हटाना है तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब जब इसको हटाना तो यहाँ 10 होगा, इसको हटाना तो यहाँ भी 10 हो जाएगा और इसको हटाना तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। यानी 3 ठो 10 है, यहाँ भी 3 10 कट गया। अब कटना है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे कितना चल जाएगा ना, 12 बार में हो जाएगा। और इसको काटेंगे कितना जाएगा, 4 बार में जाएगा और 3 6 18 हो जाएगा। तो क्या होगा ना, 4 गुना 25 गुना 6, तो 4 को 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा और यहाँ 6 है तो यहाँ आया 600। तो घनों की जो संख्या होगा वह 600 होगा वह सी होगा, ठीक है। इतने 600 घन जो है वह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों, यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो घन तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है यह निकालना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन, तो क्या लिखना है ना, घन का किनारा, माना कि घन का किनारा, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। और नया घन क्या होता है, 1% बढ़ जाता है तो नया घन का किनारा क्या हो जाएगा ना, नया घन का तो 1 बढ़ जाता है तो यहां क्या हो जाएगा ना, ए प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अगर बढ़ जाता है जिसमें से 169 की वृद्धि हो जाती है तो इसमें से क्या है ना, ए प्लस 1, ये घन का आयतन हो गया ए का क्यूब। अब यहां क्या है ना, ए का क्यूब, अब इसी का अंतर दिया हुआ 169, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो बहुत ही समय लग जाएगा, तब ए का मान आप निकाल सकते हैं। और इसी से बनाना है तो आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ए में क्या है, बी में क्या दिया हुआ है, सी में क्या है और डी में क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि LHS में रखते हैं ए का मान 7, तो अगर यहां ए का मान 7 रखते हैं और यहां 7 प्लस 1 यहां 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा और यहां ए का क्यूब है तो यहां ए का मान क्या माने थे 7, यहां 7 का क्यूब करना है, ठीक है। अब 8 का क्यूब कितना होता है ना, 512 होता है, तो 512 लिखेंगे, माइनस 7 का कितना होता है 343 होता है, 343 लिखेंगे। अब 512 में 343 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 169 हो गया। कब ना, जब ए का मान लिए तो उसमें पूछा ही गया था कि घन का किनारा क्या है,
यानी घन जो होगा वह ए होगा और ए का मान क्या है ना सेवन लिए थे। तो प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात करना था और प्रत्येक किनारे की लंबाई हम लोग मान चुके थे ऑप्शन नंबर बी लिए थे और यही इसका आंसर हो गया। तो क्या होगा ना सेवन सेंटीमीटर, ठीक है बी ऑप्शन। इसको आप इजी से आसानी से बना सकते हैं कब ना ऑप्शन हिट से, ठीक है। नंबर तीन दोस्तों, किसी घन की सभी कोरों का योग और किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, योग जो है उसके किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगा, यानी भुजा की संख्या निकालना है, वो भी वर्ग का निकालना है, ठीक है। तो पहले लिखना है कि माना कि घन की भुजा मान लेते हैं x और वर्ग की भुजा मान लेते हैं न वर्ग की भुजा को मान लेते हैं y, और क्या लिखना है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ना घन की भुजा का परिमाप। तो घर का कितना भुजा होता है 12, तो 12 मतलब 12 भुजा का योग करना है तो 12 x हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का कितना भुजा होता है तो 4, तो 4 y हो जाएगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब 4 से काट सकते हैं, 4 दिया 12, यानी y का मान जो होगा वह 3 x होगा, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या बोला गया है, घन का आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन का मानते हैं a है, तो एक आयतन क्या हो जाएगा ना a का क्यूब हो जाएगा, और वर्ग का भुजा का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हम लोग माने हैं y और y का ये स्क्वायर होंगे, ठीक है। निकालना है ना वर्ग की एक भुजा का मान निकालना है, वर्ग की भुजा का मान यानी y का मान चाहिए, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, पहले देखते हैं कि y का मान यहाँ 3x है, यहाँ 3x रख देते हैं, तो x को 3 बार लिखते हैं, x मल्टीपल x, और y के पार में कितना है 2 है, तो यहाँ y का मान क्या है ना 3x है, तो 3x लिखेंगे, और इसको यहाँ 2 है इसलिए 2 बार लिखना है 3x, ये x और ये x, दो ठो x है, ये x कट गया, हो गया ना x, और यहाँ 3 रहा, यहाँ 3 रहा, 3 जा 9, x का मान आ गया 9। तो निकालना क्या है ना वर्ग की भुजा y, और y का मान यहाँ दिया हुआ है 3x, तो क्या लिखेंगे ना वर्ग की भुजा इक्वल टू y माने है, y का मान दिया हुआ है 3x, यहां लिखा हुआ देखिए कि y इक्वल टू 3x, तो 3x, तो 3 मल्टीपल x, और x का मान कितना है 9, तो यहां लिखेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 9 या 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 क्या होगा ना इकाई होगा, ठीक है, नंबर सी होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर फॉलो कीजिएगा, आप इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, यदि किसी घन के किनारों को उसके 3 सेंटीमीटर मीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, घन के प्रत्येक किनारे का मूल लंबाई कितनी है, यानी निकालना है दोस्तों, ठीक है। माना कि घन का किनारा इक्वल टू ए, तो लिखेंगे घन का किनारा ये मान लिए ए, और क्या होता है ना 3 बढ़ जाता है 3 सेंटीमीटर, तो नया घन का किनारा क्या हो जाएगा ना नया घन का किनारा क्या हो जाएगा ना ए प्लस 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिखना है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्या हो जाता है ना उसके आयतन में अगर इसका किनारा को बढ़ा देते हैं तो उसका आयतन में क्या हो जाता है ना 657 की वृद्धि हो जाती है, तो इसका अगर आयतन निकाला तो क्या हो जाएगा ना a प्लस 3 का आयतन माइनस a का क्यूब इक्वल टू दिया हुआ 657 हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। निकालना है दोस्तों ना प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको भी आप अगर हल करते हैं तो बहुत ही अधिक समय लग जाएगा। यहां क्या लिखना है ना क्यूब होगा, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है ना एक है ना एक का क्यूब होता है, एक का मान यहाँ दिया हुआ है, इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब का अंतर करते हैं तो क्या हो जाएगा ना 657 हो जाता है। तो पूछा गया है घन का किनारा ए का मान क्या होगा, तो इसमें भी ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान, बी का मान और सी का मान और डी का मान क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो LHS में लेके देखते हैं कि इसमें हम A का मान क्या रखते हैं, तो ऑप्शन A में ध्यान दीजिएगा कि 7 दिया हुआ है, चलिए ट्राई करते हैं।
तो ए का मान मान लेते हैं, ए का मान 7 है, तो 7 आ 3 कितना हो गया ना 10, तो 10 का क्यूब हो जाएगा माइनस ए का क्यूब, यहाँ क्या है ना 7, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा ना 1000 हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा ना 343 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ना 657 हो गया। यानी यह प्रूफ हो गया कि अगर ए का मान 7 लेते हैं तो इसको इसका जो अंतर होगा वह 657 ही होगा। तो वही पूछा गया था कि भुजा की यानी घन के किनारे की लंबाई क्या होगा, तो जो घन के किनारे की लंबाई होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग घन से संबंधित क्वेश्चन पढ़े और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम यानी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन और सेलेक्ट क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है वह पांचवा स्टार्ट करते हैं, 5 नंबर। ठीक है, क्या है ना, नीचे दिए गए व्यंजनों में से कौन सा 3 के पावर में 38 + 3 के पावर में 39 के वर्गमूल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये निकालना है दोस्तों। तो क्वेश्चन में है कि 3 के पावर में 38 + 3 के पावर में 39 है, और ये इसके बीच में क्या है ना, ये वर्गमूल है ये, और इसका मान क्या होगा दोस्तों, ये निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है ना, वर्ग का मूल रहने देते हैं, और यहाँ 3 के पावर में 38 है, यहाँ 3 के पावर में 39 है, तो 3 के पावर में 38 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के पावर में 38 यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 19 × 3 के पावर में 19, और इसको यहाँ क्या होगा ना, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 के पावर मतलब यहाँ 3 होगा, तो 3 और 1 कितना हो गया ना 4 हो गया, तो यहाँ 4 लिख सकते हैं। अब ना 3 के पावर में 19 × 3 के पावर में 19 × 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि वर्गमूल में जो पेयर होता है वही निकलता है, तो ये पेयर है तो ये निकल गया, और इसका भी पेयर है तो 1 निकलेगा, यानी 3 के पावर में 19 निकलेगा, तो बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से, और ये सेलेक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यदि 3x − y = 5 है तो 8 के पावर में x / 2 के पावर में y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ना, यहां दिया हुआ है 3x − y का मान दिया हुआ है 5। ठीक है, और निकालना क्या है ना 8 के पावर में x − 2 के पावर में y है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मान निकालना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि x का मान और y का मान चाहिए, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर x का मान 2 लेते हैं और y का मान 1 लेते हैं तो क्या यह वेरिएबल होता है। तो चलिए हम देखते हैं, LHS में वेरीफाई करते हैं इसमें x का मान रख करके। x का मान यहाँ कितना है ना 2, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 × 2 − y का मान कितना है ना 1, यहाँ लिखते हैं 1, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 − 1 = कितना हो जाएगा ना 5। तो वेरीफाई यह हो गया दोस्तों कि x का मान जो होगा वह 2 ही होगा और y का मान 1 होगा, ये वेरीफाई हो गया। अब निकालना क्या दोस्तों, ये निकालना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 8 के पावर में x, तो लिखेंगे 8 के पावर में x, और x का मान निकाल चुके हैं 2, तो 2 लिखेंगे बाय 2 के पावर में 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर में y, और y का मान क्या है ना 1, यहाँ 1। अब 8 के पावर में 2, तो क्या होगा ना 8 को 2 बार लिखना है, तो 8 × 8 / 2 के पावर में 1, मतलब 2 को एक ही बार लिखना है, इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 4, तो कितना होगा 8 × 4 = 32 होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से बाय कॉमन सेंस, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तब इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, यदि 4:5 = 7 है तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, क्या दिया हुआ है ना 4:5, फिर समानुपात है 7:x, तो x का मान निकालना है, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखो ना 4/5 होता है, इसका मतलब होता है यहाँ बराबर, और 7/x होगा। अब इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल करना है, 4 को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा ना 4x, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा ना 5 × 7, तो x इसको क्या हो जाएगा 7×5 = 35/4 होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8×4 = 32, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नंबर जो होगा वह डी होगा। तो आप
इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिवाइड दीजिएगा, आंसर आएगा, ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा कि क्या है और उसको देख के मारना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।